हाय दोस्तों, मेरा नाम डेविड है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एलान स्टार्ट कॉम के ऊपर काम कैसे तलाश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे एलान स्टार्ट कॉम ओपन करता हूं। तो अभी एलान स्टार्ट कॉम के ऊपर आपको बताऊंगा कि फाइंड वर्क, आप वर्क को कैसे काम तलाश कर सकते हैं और उसको जो भी आप स्किल, अपनी स्किल के मुताबिक आप काम भी तलाश कर सकते हैं। तो वो उसका तरीक़ाकार आपको बताऊँगा। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये अभी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे लिखा होगा फाइंड वर्क, मैनेज के साथ ही फाइंड वर्क है। यहाँ से हम अपना काम तलाश कर सकते हैं, जो जिस लिहाज से आप, किस उस लिहाज से आप काम तलाश कर सकते हो। मैं यहाँ फाइंड वर्क के ऊपर आऊँगा, सर्च लिखा होगा सर्च जॉब्स, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक लिस्ट ओपन होगी। यहाँ पर जो लेटेस्ट जॉब्स हैं वो यहाँ पर चल रही हैं ऑटोमेटिकली। यहाँ पर बताया भी जाता है कि ये पोस्टेड 23 मिनट अगो, पहले 23 मिनट पहले इस ये जॉब पोस्ट की गई है। और ये API XML RPC मजेंडो डेवलपर के लिए ये जॉब। इसी तरह दोस्तों को रीडिंग का पेपर है और इसी तरह ये जॉब्स हैं। अगर आपको यहाँ पे अपनी मनपसंद की जॉब नहीं मिलती तो आप यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ यहाँ पे लोगो डिज़ाइनर, लोगो डिज़ाइनर, ठीक है, ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ पे लिख के। ये सर्च बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जॉब फाइंड करूँगा कि क्या ये जॉब मुझे मिल जाएगी। अगर होगी तो यहाँ पे बताया जाएगा कि ये 24 मिनट ग्राफिक डिज़ाइन ऑफ प्रोवाइडेड लोगो। तो यहाँ पे कह रहा है कि 24 मिनट पहले ये पोस्ट की गई, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ये इस हवाले से बहुत सारी जॉब्स हैं, ये कह रहा है 2 घंटे पहले की गई। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर लिस्ट एक ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं जॉब अपने, मैं एक लोगो, मैं चाहूँगा कि मैं लोगों के डिज़ाइनर के हवाले से मैंने ये सर्च किया है। आप कोई भी जॉब सर्च कर सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो जिस जॉब के ऊपर मैं ये पहले वाली पे मैं क्लिक करूँगा, इसका बजट है $50 फिक्स प्राइस, ये देगा $25-$50 देगा और लेस या इससे कम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी 24 मिनट पहले पोस्ट की गई, एंड टाइम 14 डे 27 3 आवर्स हैं, ठीक है। और 10 प्रपोजल आ चुकी हैं इसको, ठीक है। तो प्रपोजल इनको मिल चुकी है, अगर ये जिसके साथ एग्री होगा उसको फिर ये ऑर्डर देगा। तो मैं, अगर आप जिसको अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको मैं ओपन करके देखता हूँ, इस ये क्या क्या चीज़ें कह रहा है। ये कह रहा है आई हैव अ लोगो ऑलरेडी डिज़ाइन इन माई लो क्वालिटी एंड ओनली इन वन फार्मेट, आई नीड इट इन बेटर क्वालिटी एंड इन मोर देन वन फार्मेट, एटलीस्ट PDF एंड JPG आई थिंक, द लोगो नीड टू रिटेन इट्स हैंड राइटिंग रिटर्न बुक लुक, आई नीड इट इन अ हायर क्वालिटी बट आई डोंट वॉन्ट इट लुक लाइक परफेक्ट टू सो स्पीक। तो इसने यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, आप इसकी पढ़ के यहाँ पे आपने डिस्क्राइब योर, अपना यहाँ पे बायोडाटा देना है, अटैचमेंट करनी है, पोर्टफोलियो एक्सेट्रा। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा होगा आई थिंक, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा हो क्रिएट योर प्रपोजल। आप जैसे कि ये आप नीचे आएंगे, इस प्रपोजल के नीचे आएंगे, जो आपने जॉब मैंने सर्च किया यहाँ इसके नीचे आएंगे, तो यहाँ लोगों ने प्रपोजल दिए हुए हैं इनको, न्यूजीलैंड से, इंडिया से, ये इन लोगों ने दिए हुए हैं। आपने कमेंट यहाँ पे क्या है, लोगों ने लिखा है आई एम ए, ये न्यूजीलैंड से, आई एम ए सीनियर डिज़ाइनर एंड द हेड मेम्बर ऑफ प्रोफेशनल फुल सर्विस ग्राफिक। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी प्रपोजल आप क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये इन लोगों ने की हुई है, यहाँ पे बता रहा है। मैं इसी का मैसेज यहाँ से लेकर यहाँ पे कॉपी करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने प्रपोजल क्रिएट करनी है, अपना पोर्टफोलियो अटैच करना है, यहाँ से अटैच करेंगे तो अपना पोर्टफोलियो भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह आउटलाइन योर अप्रोच टू द जॉब, यहाँ पर आपने वो देनी है, ठीक है। यहाँ पर कास्ट एंड टाइमिंग आप बताएँगे, प्रपोजल माइल स्टोन एड माइल स्टोन, कास्ट एंड टाइमिंग, बिल एंड क्लाइंट, यहाँ पे आप ये चीज़ें मेंशन करेंगे अपने बिल पेमेंट के लिहाज से। एस्टिमेट डिलीवरी टाइम अपना यहाँ बताएंगे, 1 डे 2 डे 3 डे या 1 वीक। मैं कहता हूँ मैं दूंगा 3 दिन में, तो यहाँ पे टाइम दूंगा आई विल सबमिट अमाउंट लेटर, ठीक है। यहाँ पे अगर चेक लगाएंगे तो ये सारी ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह आपने जब करेंगे प्रपोजल क्रिएट करेंगे, इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ ज़रा डॉलर वगैरह, यहाँ पे 2-3 दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ उसका $50 है इसका, तो मैं कहता हूँ मैं 40 में कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे
जो बिल टू क्लाइंट है वो उसको मैं 40 उससे डिमांड करूंगा, उसको तकरीबन 44 डॉलर्स उसको पेमेंट करनी पड़ेगी ईलांस वालों को, ठीक है। उसके अलावा ये चीज़ें आप सेट करेंगे, ये आप अपनी तरफ से ऑफर कर रहे हैं उसको, और प्लेस माइन है टॉप ऑफ, अगर ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं प्रीव्यू यहाँ पे करूँगा क्लिक, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो प्रीव्यू करूँगा तो आपको यहाँ पे ये चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो मैसेज आप टाइप करोगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा और आपकी ऑफ़र यहाँ पे नज़र आएगी, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे और आपके प्रपोजल का मैसेज आपको यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे 10 लोगों ने दिया हुआ है, योर प्रपोजल हैज़ बिन सबमिटेड, प्रपोजल सबमिट हो चुकी है। अब मैं इसको देखता हूँ ये क्या चीज़ आती है, प्रपोजल, यहाँ देखें यहाँ पे मेरी प्रपोजल भी इसके नीचे आ चुकी है। इसी तरह अगर ये आपके साथ एग्री होता है और जो चीज़ें आप लिखते हो उसके साथ एग्री होता है तो आपको फिर ये ऑर्डर दे सकता है। तो कोशिश करें आप अच्छा प्रपोजल दें, लेकिन मैंने जस्ट ये करने के लिए आपको बताने के लिए ये काम किया है। और देखें मेरी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर है, मेरा नाम भी यहाँ पे शो हो चुका है। तो फिर भी मसला परेशानी हो कि आप फाइंड वर्क कैसे कर सकते हैं, तो फाइंड वर्क करना है सिर्फ ऊपर फाइंड का मेन्यू है, यहाँ पे फाइंड वर्क लिखा हुआ है, सर्च जॉब को क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ से जॉब सर्च कर सकते हैं। कोई भी सर्च करना चाहे, अगर आपके रिलेटेड आपको ना मिले टॉप पे तो आप क्या कर सकते हैं, फिर मैंने अभी यहाँ पे फाइंड वर्क और सर्च जॉब पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी ये सर्च ओपन होता है, मैं पेज डिस्प्ले होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से एक दफ़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड पे आपने फाइंड वर्क के ऊपर मेन्यू है, यहाँ पे आपने इसके ऊपर करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू निकलेगा, यहाँ पे सर्च जॉब पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने ये नज़र आएगा, और जितनी भी लेटेस्ट जॉब होंगी जो लोग पोस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। आप यहाँ से जॉब को सर्च कर सकते हैं, यानी कि जो लोग अपने काम पे लोगों को रखना चाहते हैं आप यहाँ से काम तलाश कर सकते हैं। यहाँ पे अभी देखें, पहले मैंने कुछ ये वाला था, जैसे मेरा ख्याल आई थिंक और थी, बहुत सारी जॉब ये हो रही हैं यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं अपनी जॉब पोस्ट कर अपना काम पोस्ट करते हैं करवाने के लिए लोगों से। तो यहाँ पे लिखा नीड मेरी फ्रीलांसर टू टेक सम सर्वेज, तो यहाँ लिखा है लेस देन 500 डॉलर लेगा और आप सर्वे करवाने के लिए उनको चाहिए बंदे। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मैं, अगर मुझे पसंद आती तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ, अपनी प्रपोजल इसको दे सकता हूँ। तो जब आप ये करेंगे तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे प्रपोजल आ चुकी हैं दो, तो यहाँ पे इसने मेरा ख्याल आई थिंक कोई प्रपोजल नहीं, तो आई थिंक यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी फिर ये चीज़ ले सकते हैं, तो अपग्रेड करना पड़ेगा अकाउंट को, तो वो फ़िलहाल तो मैं नहीं कर सकता, तो इस वजह से ये मैं कैटेगरी सेलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे अलाउ नहीं है। अब मुझे अपना अकाउंट अपग्रेड करना पड़ेगा, जिस वजह से ये मैं जॉब का जो सर्वे जॉब वाली है इसको मैं हासिल कर सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं दूसरी कैटेगरी में से नहीं चूज़ कर सकता, ये मेरा बेसिक अकाउंट है। तो आपने फाइंड वर्क करना, यहाँ से आना सर्च जॉब में क्लिक करना, और अपने सर्च जॉब पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप अपने कैटेगरी के जो आपने सेलेक्ट की हुई बेसिक अकाउंट के मुताबिक उसके मुताबिक आप कर सकते हैं जॉब्स पर प्रपोजल दे सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों फाइंड वर्क में ब्राउज जॉब, ब्राउज में आएंगे तो ब्राउज में आप क्या कर सकते हो ये मैं आपको बता दूँ, जब मैंने ब्राउज पर क्लिक करूँगा तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ब्राउज पे क्लिक किया तो ये कैटेगरीज ओपन होगी जॉब की, ठीक है, जॉब कैटेगरीज है। तो यहाँ से मैं अपनी मनपसंद की जॉब कैटेगरी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जो मैंने जिस पे मैंने बेसिक अकाउंट में सेलेक्ट किया हुआ है तो उसमें से सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। मेरी अभी मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सी सेलेक्ट की हुई है अपने अकाउंट के साथ, तो जो भी आपने कैटेगरी की होगी अगर नहीं की है तो आप अपना अकाउंट अपग्रेड करके भी यहाँ ये चीज़ें कर सकते हो। कैटेगरी में जहाँ से जैसे कि मैं यहाँ पर बताता हूँ, डिज़ाइन वाली है, लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर, बैनर डिज़ाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी में डिज़ाइन जॉब्स, यहाँ पे बैनर एड क्रिएशन की जॉब है, ये कह रहा है नॉट श्योर फिक्स प्राइस, नॉट श्योर लेआउट बैनर फॉर वेबसाइट, नॉट श्योर, इसने इस तरह के मैसेज दिए, और ये कितनी देर पहले, 5 घंटे पहले ये पोस्ट किया गया। तो इसी तरह ये जॉब्स आप फाइंड ब्राउज कर सकते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटी में आएंगे तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ में अभी आपको जॉब्स मिलेगी जिन पे आप अप्लाई कर सकते, आप देख सकते हो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी पे आप अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करेंगे यहाँ पे फाइंड
फाइंड वर्क के लिहाज से ये मैं आपको बता रहा हूँ, फाइंड वर्क ये ऑप्शन है, मेन्यू है। फिर ये वही तरीकाकार प्रपोजल आपने क्रिएट करेंगे, आप वो जितनी उसका बजट कह रहा है उससे कम आप यहाँ पे मेंशन करें, ठीक है। जब आप इधर लिखेंगे अमाउंट तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी उसको ये पेमेंट करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी, ये आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं सॉरी। तो पंजाबी ज़बान है तो 20 साल में यूज़ करते हैं, इस वजह से बाज़ात वर्ड जो बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है जल्दी से। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप अपॉर्चुनिटी में आएंगे तो आप अपॉर्चुनिटी में आकर भी इसी तरह प्रपोजल पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, जहाँ फाइंड वर्क में आएंगे तो अपॉर्चुनिटी में भी आपको दे सकते हैं। उसके अलावा जितनी जॉब यहाँ पे होती हैं आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके अलावा आता है यहाँ पे इन्वाइट भी, इन्वाइटेड रिकमेंडेड एक्सेट्रा जो भी हैं ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक चेक करें। और मैनेज में आएंगे यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे माई स्टैट में फाइंड वर्क माई स्टैट पे आएंगे तो आपका यहाँ पे स्टैट होगा। अभी कह रहा है कि आपका स्टेट्स नया अकाउंट है, इस वजह से कोई नहीं है, कोई भी एनालिटिक्स नहीं है। फ्रीलांसर प्रोफाइल में आएंगे तो ये प्रोफाइल पे लेकर जाएगा मेरी, मैंने अपनी प्रोफाइल को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया, जस्ट मैंने आपको ट्यूटोरियल बना लूँ, मैं इस पर काम नहीं करूँगा। तो उसके अलावा यहाँ पे नीचे आएगा प्रपोजल रिक्वेस्ट भी आप कर सकते हो, सबसे नीचे ये भी दिखा दूँ, कोई भी नहीं है। उसके बाद नीचे आता है वॉच लिस्ट, यहाँ पे मैंने अभी तक कोई वॉच लिस्ट नहीं ऐड की, ठीक है। तो दोस्तों जॉब सर्च जॉब में आएंगे और यहाँ पे आपको बताता जाऊँ फाइंड वर्क कैसे करते हैं, और इसको आपको मैंने बता दिया। तो फिर भी आपको कोई मसला परेशानी हो तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। शुक्रिया दोस्तों।